नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लक्सर को अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। यहां पर अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन पर प्रशासन की कार्रवाई का कोई असर नहीं होता। खनन माफियाओं की पहुंच प्रशासन के अंदर तक घुसी है। प्रशासनिक कार्रवाई होने से पहले माफियाओं को पता चल जाता है कि बीती रात लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने टांडा महतौली के पास अवैध खनन पर छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें खनन माफिया मशीन लेकर फरार हो गए। लेकिन अवैध खनन से भरे 12 वाहन लक्सर उप जिलाधिकारी के हत्थे चढ़ गए, जिसके खिलाफ अवैध खनन में कार्रवाई कर दी गई है। फरार होने वाले खनन माफियाओं की तलाश लगातार की जा रही है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। सूची से सालों पहले से जिला पंचायत ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे कई दिग्गज बिना लड़े ही मैदान से बाहर हो गए हैं। सूची आने के बाद कोई तैयारी न होने के बावजूद कई नए दावेदार भी दम ठोकने को तैयार हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो गया था, तभी से लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे थे। सबसे अधिक भागदौड़ प्रधान और सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग कर रहे हैं। अब जिला प्रशासन चुनाव कराने की तैयारी में है। सीटों के आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है। सभी को पता है, अभी निर्वाचन आयोग ने लिस्ट लगा दी है चुनाव लड़ने के लिए। मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य में। तो इसमें मेरे जाति प्रमाण पत्र और उसका मूल निवास की आवश्यकता है, उसके लिए बढ़वाने के लिए। जैसा कि सभी लोगों को पता है, त्रिस्तरीय चुनाव सरकार की खामियों की वजह से कहा जा सकता है, या कोविड के दृष्टिगत या अन्य किसी कारण से विलंब हुआ। तकरीबन 1.5 साल हो गया। लोग बाग जो प्रत्याशी थे और वोटर थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी चुनाव होगा। लेकिन अब चुनाव की जो प्रथम और अंतिम प्रकाशन सूची आरक्षण की जारी की गई है, उसमें जिस प्रकार से सभी क्षेत्रवासियों को मौका मिला है, जो लोग क्षेत्र में जनता की सेवा पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें देखा गया है कि जो सूची जारी की गई है उसमें अभी यह है कि चुनाव की तिथि कब निर्धारित करती है सरकार, कब चुनाव होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के अभियान को लेकर थाना कुंडा पुलिस ने नशे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को बड़ी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सीओ काशीपुर वीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और देश पर काशीपुर के ढीला नदी के निकट कदीर अहमद नामक व्यक्ति, जो ग्राम लोधीपुर जिला रामपुर का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ में बताया कि वो खुद ही चरस को घर पर बनाकर काशीपुर आसपास के शहरों में अच्छे दामों में बेचने का काम करता है। तलाशी मिल गई तो उससे 1 किलो चरस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि इसको मैं अपने घर में बनाता हूं और इधर ये जसपुर कुंडा ठाकुर द्वारा क्षेत्र में इसकी सप्लाई करता हूं। तो इसके खिलाफ थाना कुंडा में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, इसके खिलाफ तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर हो जाएगा कि कोई इसके खिलाफ कोई पूर्व में। शिव भोल नारायण मंदिर के कपाट हर साल श्रावण विखोदी के दिन खुलते हैं। भादव सूज के नंदा अष्टमी को बंद हो जाते हैं। यहाँ नारायण की मूर्ति चतुर्भुज रूप में विराजमान है। नारायण की मूर्ति के दोनों तरफ जय विजय दो द्वारपाल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा नारायण के बच्चे भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि नारायण के द्वारपाल जय विजय थे। नारद मुनि को एक बार प्रणाम न करने के कारण दोनों को राक्षस कुल में जन्म होने का श्राप दे दिया गया था, जिनका दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। शिवफूल नारायण मंदिर में नारायण मां नंदा, स्वनूल, जाख, क्षेत्रपाल, वन देवियों, पितरों की पूजा की जाती है और अखंड धुनी अग्नि कपाट बंद होने तक जलती रहती है। पौड़ी में विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए इस वित्त वर्ष 88 करोड़ का बजट जिला योजना के पटल पर रखा गया है, जबकि पौड़ी के पड़ोसी 4 जिलों की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी है। पौड़ी जिले को करीब 1 माह पहले प्रभारी मंत्री मिलने के बाद भी आज तक जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई।
पौड़ी जनपद के लिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को प्रभारी बनाया गया, लेकिन प्रभारी मंत्री द्वारा जिला योजना की बैठक आयोजित नहीं किए जाने के चलते अभी तक विकास योजनाओं के लिए अवमुक्त होने वाली राशि को हरझंडी नहीं मिल पाई है। जिले के 33 विभाग ने करीब 88.4 करोड़ का बजट जिला योजना के पटल पर रखा है, जिन्हें अब केवल प्रभारी मंत्री के आने का इंतजार है। इसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय जोग टंडन ने बताया कि प्रभारी मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में बुधवार 20 जुलाई को जिला योजना की बैठक आयोजित की गई थी, जो कि स्थगित हो चुकी है। जिले में जल्द ही जिला योजना की बैठक आयोजित की जाएगी। जिला नियोजन समिति का जो नियमित कार्य होते हैं, जो ऑनगोइंग वर्क्स होते हैं, उन सभी निर्माण कार्यों के लिए समस्त विभाग का जो पूर्व की जो देयताएं होती हैं उसके लिए धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। नवीन कार्य जो डीपीसी मीटिंग होने के पश्चात ही उसको हम लोग अवमुक्त करेंगे, उसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूर्व में समय लिया गया था और उनके द्वारा समय भी दिया गया था। बुलंदशहर के समस्त क्षेत्राधिकारियों और उपजिलाधिकारियों द्वारा आबकारी टीम के साथ अपने अपने क्षेत्र में सरकारी शराब के ठेकों दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब बिक्री की रोकथाम कांवड़ यात्रा के डिस्ट्रिक्ट समस्त क्षेत्राधिकारियों और उपजिलाधिकारियों द्वारा आबकारी टीम और फोर्स को साथ लेकर निरीक्षण किया गया। जौनपुर के रामघाट पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखने के बाद सभी की आंखें नम हो गई। दरअसल रामघाट पर एक महिला एक नौजवान युवक को मुखाग्नि दे रही थी। महिला जिसे मुखाग्नि दे रही थी वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का इकलौता बेटा था। मां द्वारा बेटे की चिता में आग लगाते देख वहां मौजूदा सभी की आंखें नम हो गई। उनके घर में जो है कि परिवार से रिलेटेड जो है बड़ा मतलब कोई पिताजी नहीं है, प्लस भाई भी कोई ऐसा नहीं है, तो इस वजह से माताजी को देना पड़ा है। हम लोग हैं, हम लोग कजन ब्रदर हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं दे सकते, इस वजह से उन्हें देना पड़ा। एक्चुअली उनको पहले एक बार लखनऊ में उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो सेंट जेवियर्स एक वहाँ पे क्या कहते हैं वो है हॉस्पिटल, तो वहाँ गए थे, वहाँ पे उनको कुछ दवाइयाँ दी गई थी, कुछ डोज दिए गए थे, जिसकी वजह से उनका लीवर डैमेज होने लग गया था। और लीवर डैमेज होते होते बाकी चीज़ों पे भी असर करने लगा, लाइक किडनी पे असर करने लगा। फिर वो लीवर डैमेज हो गया था तो पानी नहीं रिस पा रहा था, तो पानी नहीं निकल पा रहा था, तो वो पानी लंग्स में जाने लगा, उस कारण से सांस लेने में दिक्कत हुई और ये दुर्घटना घटी। बुलंदशहर के ब्लॉक जागीराबाद में स्थित ग्राम जसर के लोगों ने राशन डीलर सुखपाल के खिलाफ जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम जसर के दिल्ली शिफ्ट हुए कुछ ग्रामीणों का राशन गटक रहा था। राशन डीलर अपने भाई का राशन भी राशन डीलर गटक गया। कई धारकों के कार्ड के नाम की फेरबदल डीलर लगातार कर रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने जनपद बुलंदशहर में आकर जिला पूर्ति अधिकारी को राशन डीलर सुखपाल के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा है। बुलंदशहर पुलिस ने हर्ष हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हाल ही में 7 वर्षीय बच्चे हर्ष के अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 बाल अपराधियों को हर्ष का स्कूल कार्ड और हत्या में इस्तेमाल रुमाल और घटना में इस्तेमाल सीटी डिलक्स बाइक बरामद कर ली गई है। उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। कन्नौज में जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। सपा महिला सभा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार से जीएसटी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। महिला सभा के प्रदेश सचिव शशिमा दोहरी की अगुवाई के में ये प्रदर्शन किया गया है। खाली सिलेंडर लेकर भी महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं।
लोन पॉलिसी और बीमा कराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नामी इंश्योरेंस कंपनी के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर ठगी करते थे। पॉलिसी के नाम पर डिस्काउंट देने के नाम पर ग्राहकों को फंसाकर ठगी किया करते थे। पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठगों के गैंग के दो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। लोन और बीमा कराने के नाम पर ये लोगों से ठगी करते थे। पिछले कई महीनों से लगातार लोगों को फंसा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित कई दस्तावेज बरामद किए हैं। मुरादाबाद के मझौरा थाना क्षेत्र में ये गैंग सक्रिय था। पुलिस ने एक फर्जी एक तरह का कॉल सेंटर है ये, जिसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये बिहार में एक सेंटर चला रहे थे, जहाँ पर इन लोगों को एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से पॉलिसीज, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसको बेचने के लिए ये लोग कहते थे। और उनको बकायदा ये लोग पॉलिसी जारी भी करते थे। जो हमारी रिपोर्ट कंपनियां हैं, उन्हीं की पॉलिसीज फेक डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए लोग उनसे पैसे लेते थे और उनको पॉलिसी जारी किया करते थे। इस तरह का ये एक गैंग सामने आया है, जिसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक जैनेन्द्र है, एक अमित है। ये यहाँ पर रहने वाले ठाकुरद्वारा क्षेत्र के हैं। एक जो अमित है वो हापुड़ का रहने वाला है, बुद्ध विहार क्षेत्र में अभी फिलहाल रह के काम कर रहे थे। पीलीभीत में बीते दिन एक युवक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया, साथ ही उसका मोबाइल भी। बदमाश लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गोलीकांड की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया। जांच पड़ताल में जुट गई। बलरामपुर जिले में बहने वाली राप्ती नदी द्वारा पिछले कुछ दिनों से कई गांवों में कटान तेजी से किया जा रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण राप्ती नदी जो है उफान पर तो नहीं है, लेकिन पानी घटने के कारण कटान से प्रभावित होने का डर नदी किनारे बसे गांव के लोगों को सता रहा है। कटान से भयभीत ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से एक ओर जहां मदद की गुहार लगाई, वहीं कटान रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए बचाव कार्य पर सवाल भी उठाया है। राप्ती कटान से कल्याणपुर, चौका खुर्द, टिघनिया, मानकोट और सरदारगढ़ सहित कई गाँव को बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है। जैसे ही भारी बारिश होगी, बाढ़ के साथ साथ ग्रामीणों का डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं बलरामपुर के ही अतरौला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को साधु वेशधारी एक अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी गई। दिन दिहाड़ी इस निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हत्या के मुख्य आरोपी को उतरौला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उतरौला कोतवाली के बैरकोट गाँव में ग्राम समाज के जमीन के कब्जे को लेकर हीरालाल और रामवृक्ष के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी की वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र उतरौला के ग्राम अक्सी बड़ा में घटना हुई है, जिसमें दो पड़ोसी हैं हीरालाल और बिरछे, जिनके बीच में जमीन को कब्जा करने के लेकर सुबह विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान बिरछे के द्वारा हीरालाल पे फावड़े से वार किया गया, जिसमें उनको चोट आई और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनको डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के संबंध में थाना उतरौला पे 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मृतक हीरालाल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तथा नामजद अभियुक्त बिरछे पुत्र रामशरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गोंडा जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार की अनोखी पहल नजर आई है। टीचर वन स्कूल में छात्र छात्राओं को पढ़ाते दिखे। डीएम ने कंपोजिट विद्यालय लक्ष्मणपुर जाट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की रियलिटी चेक भी की। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने टीचर वन 8वीं के छात्रों को पढ़ाया है और डीएम ने विद्यालय पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गुरु मंत्र भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्कूल में साफ सफाई, शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के निर्देश भी दिए हैं। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत पकड़ी वार्ड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब खाना बनाते समय एक महिला आग के चपेट में आ गई। देखते ही देखते आग महिला के पूरे शरीर को अपने आगोश में ले लिया। परिजनों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फाइनल में परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर पहुंचाया, जहां स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल में महिला का इलाज जारी है।
फरुखाबाद में आशिकी को लेकर लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दो गुटों में बीच बसात सरेराह मारपीट हो रही है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम दड़ा दड़ाकर युवक को चप्पलों से पीटा है। फतेहगढ़ कोतवाली की पुलिस घटना का इंतजार करती रही। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के GNV रोड का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।